हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस आपका एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा परीक्षण। ठीक, दिशा परीक्षण करने से पहले हम इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे प्रश्न बनने में आपको आसानी हो। ठीक, जब बात करेंगे डायरेक्शन का, तो हमारे पास मेन चार डायरेक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक, प्रमुख यहां पर क्या होता है, हमारे पास चार डायरेक्शन हमारे पास होता है, जिसमें सबसे ऊपर में होता है नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं उत्तर, नीचे होता है साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण, ये हमारा होता है ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व, और ये हमारा होता है पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, इन सब के मध्य में यहां पर क्या होता है हमारे पास 90-90 डिग्री के, यहां पर टोटल 360 में 90-90 के चार क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। ये इनका कार्डिनल डायरेक्शन, जो उनकी सहायक दिशा है, ये वाली नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे बोलते हैं किसी भी मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं, नॉर्थ और यहां पर क्या होते हैं साउथ होते हैं, तो ये हमारे बेस डायरेक्शन होते हैं। तो ये जो हुआ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, मतलब उत्तर पूर्व हुआ, ये हुआ हमारे पास साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, ये हमारे पास हुआ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये हुआ हमारे पास ये जॉइंट चौथा डायरेक्शन, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट सर्कल है वो कंप्लीट यहां पर कितने डिग्री का हमारे पास, टोटल 360 का, और ये चार क्वाड्रेंट बचा है, तो ये डिग्री यहां पर कितना आपको 90 डिग्री हुआ, तो ये जो दोनों है ना, ये आपको 45-45 डिग्री में यहां पर बटा हुआ, इसको याद रखना। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट यहां पर है, एग्जैक्ट यहां पर है, तो वो दिशा यहां पर क्या हुआ पूर्व हुआ, और वो एग्जैक्ट यहां पर हुआ ठीक इस लाइन के ऊपर हुआ, तो वो यहां पर क्या हुआ हमारे पास पश्चिम हुआ। इसके बाद मध्य का ये जो एरिया है ना, ये चाहे वो आधा डिग्री भी आगे आए या एक डिग्री भी आगे आए, तो ये मध्य का जितना भी है ना, वो हमारे पास क्या होगा दक्षिण पूर्व होगा। सिमिलरली ये जो मध्य का एरिया है, ये क्या होगा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम होगा, और ये जो एरिया होगा ये हमारे पास होगा उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, और ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर यहां पर क्या होगा पश्चिम होगा। क्लियर, तो ये चीज अपने को याद रखना है, ये पहला चीज। ठीक, दूसरा चीज, हमेशा इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम यहां पर क्या करेंगे टर्न करेंगे, जब तक कि आपको इस तरीके से बताया ना हो कि वो जो डिग्री ऑफ टर्न मोमेंट है कितने डिग्री का है या किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो हम जब भी टर्न करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे टर्न जो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। जब तक कि आपको स्पेशल तरीके से मेंशन ना किया हो कि वो आपका 45 डिग्री में घूम रहा है, 60 डिग्री में घूम रहा है, जब आपको मेंशन ना किया हो आपको, ठीक है, टर्न क्या होगा 90 डिग्री होगा, और जब टर्न करेंगे तो जो हमारा हेड होगा, जो मेरा सर होगा, वो यहां पर क्या होगा बेस होगा। ठीक, सपोज मैं इस पॉइंट से गया उत्तर की ओर, यहां तक पहुंचा, तो अब मेरा फेस का डायरेक्शन ये वाला, अब मैं इधर देख रहा हूं, ठीक है, मेरा फेस का डायरेक्शन इधर है। अब अगर सपोज यहां से मैं दाएं राइट मुड़ा, तो यहां पर इस तरीके से यहां पर इधर मुड़ा, ठीक है, अब अगर सपोज यहां से मैं फिर दाएं मुड़ा, तो मैं दाएं इस तरीके से यहां मुड़ा, ठीक है, अब फेस इस ओर है, अब मेरा फेस ऐसा है। अब अगर सपोज यहां से मैं दाएं मुड़ा, तो यहां से दाएं मैं कैसे मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा, ये वाला डायरेक्शन हुआ। और अगर सपोज मतलब अब मैं यहां पर ऐसा हूं, और अगर मैं यहां से बाएं मुड़ा, तो मेरा मोमेंट क्या होगा ये वाला होगा, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो जब भी अपन लोग क्या करेंगे मोमेंट करेंगे, तो हेड यहां पर क्या होगा बेस होगा, और सबके मध्य में यहां पर क्या होगा 90 डिग्री होगा, उस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो हमारे पास लाइन का रेशियो, मतलब लाइन का रेशियो बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको डिस्टेंस का रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो बोल सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो मतलब
अगर सपोज मैंने इसको बोला है 4 मीटर, तो ये लगभग क्या होगा 5 मीटर, और ये लगभग क्या होगा 10 मीटर। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने 4 मीटर लंबी लाइन को ये माना है और 6 मीटर लंबी लाइन को आप ये इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, ये आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो जब भी आप डिस्टेंस का जो लाइन बनाएंगे वो एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये रेशियो हो गया, उसके बाद यहां पर क्या होगा, रेक्टेंगल फॉर्म होता है। रेक्टेंगल फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 15 और ये आपका दिया हुआ है 7, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, 4 की दूरी है। तो जब यहां से कटेगा तो ये दूरी कितने का हो जाएगा, ये जो दूरी होगा, सॉरी, ये जो दूरी होगा ये 5 का, ये भी कितने का होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा 5 का होगा, ये 4 का है, तो ये दूरी कितने का होगा, 4 का होगा। यहां तक क्लियर है कैसे रेक्टेंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। अब उसके बाद, अब अगर ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल यहां पर 10 है, टोटल वहां पर 10 है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। ये पूरा यहां पर 10 है तो ये 4 हो चुके, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर इसी को आगे कंटिन्यू किया तो ये 5 है तो ये 5 है तो ये भी यहां पर क्या होगा 5 होगा, और टोटल यहां पर 15 दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये वाला, तो यहां से जो अपना पहला क्वेश्चन पूछता है, इसमें ये पूछता है कि आपका जो जो आपका फेस है, आप पूरा टर्न किए तो आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन पे, आपका ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ये बोलेगा कि हमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से हमने स्टार्ट किया था और ये मेरा फाइनल पोजिशन है, समझिएगा बात को, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहां पर मेरा फाइनल पोजिशन है। अब अगर मैं सपोज ये बोला, कि ये जो फाइनल पोजीशन है स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन पे है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं ये बनाया, स्टार्टिंग अगर मैं यहां पर अपने को 4 डायरेक्शन बनाया, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा है, नीचे आ रहा डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन होगा इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम होगा, मतलब यहां पर क्या होगा साउथ वेस्ट होगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट होगा, ठीक। Now, उसका ऑपोजिट, अगर इसका ऑपोजिट किया, अब अगर मैं ये बोला कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है फाइनल से कौन सा डायरेक्शन है, इससे पहले यहां पर क्या बोला था, ये जो फाइनल था ना स्टार्टिंग कहां पर, तो यहां से मैं ये बेस लिया था, ये वाला बेस, अब यहां पर क्या बोल रहा है स्टार्टिंग फाइनल से बोल रहा है, तो ये स्टार्टिंग पोजिशन और फाइनल से ये वाला पोजिशन कौन सा हो, मैं ऐसे जा रहा हूं, जब ऐसे गया ये पूरा डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये वाला कौन सा होगा, यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास होगा उत्तर पूर्व होगा। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, यहां पर पूछेगा कि आपका हेड किस ओर है। सेकंड वाला यहां पर क्या बोलेगा, इनिशियल पोजीशन को, और यहां पर क्या बोलेगा फाइनल पोजीशन के बारे में बोलेगा, ठीक। नाउ द थर्ड वन, ये आपको यहां पर क्या बोलेगा, ये आपको बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है। तो हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा टर्न हो रहा है, जैसे मैं इधर से ऐसा आया और यहां पे टर्न किया यहां पर, तो बीच में यहां पर क्या हुआ, ये जो डिग्री हुआ 90 डिग्री हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब 90 डिग्री होता है तो यहां पर ये जो बनता है, ये हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री के सामने में यहां पर क्या बनता है, कर्ण बनता है। इस कर्ण को हम यहां पर क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ऑब्वियसली ये यहां पर क्या हुआ, बेस हुआ, और ये यहां पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो ये जो हाइपोटेनस कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। आगे जाके जब हमको यहां पर बोलेगा कि जब डिस्टेंस निकालने बोलेगा वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, तो उस टाइम में यहां पर क्या होगा, ये वाला जो चीज है थर्ड वाला जो डिस्टेंस वाला है ना, ये उस जगह काम आएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन को प्रोग्रेस करेंगे ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका डायग्राम थोड़ा सा, तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस वाला, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये आपका बेसिकली 3 चीज पूछता है। ये 3 चीज छोड़ के और यहां पर क्या होता है, जो अक्सर क्वेश्चन में और अपन देखते हैं कहां पर क्या होता है, इसको छोड़ के और यहां पर क्या पूछता है, जो चौथा होता है ना वो आपको डिग्री वाला पूछता है। डिग्री मतलब यहां पर क्या हो गया, जो आपका रोटेशन है आपका वो वाला पूछेगा। उसके बाद जो पांचवा आपका होता है वो आपका क्या होता है, सनराइज और सनसेट का। अभी अपन समझेंगे सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट, सनराइज और यहां पर सनसेट हुआ।
तो बेसिकली आपको ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्शन पे यहां पर हमको इतना सारा पूछता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो खींच लो, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है सनराइज और कौन सा है सनसेट वाला, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सनराइज मतलब क्या हो गया, सूर्योदय। सनराइज और सनसेट का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होगा, वो हर जगह काम आएगा, बस आपको उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि जो शेडो फॉर्म होता है, जो भी शेडो मतलब जो परछाई फॉर्म होता है, वो लाइट के ऑपोजिट में फॉर्म होगा। जैसे अगर सपोज प्रकाश की किरण हमारी सामने से गिर रही है, तो मेरा जो परछाई होगा पीछे बनेगा, ठीक है। अगर मान लो प्रकाश इस ओर से आ रहा है, राइट हैंड से आ रहा है, तो परछाई कहां बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, और लेफ्ट से आएगा तो कहां पर बनेगा, राइट में बनेगा, यही कंडीशन हमारे पास होगा। हाँ, एट 12 नून, जो दिन का एग्जैक्ट 12 बजे होता है, ठीक सर में होता है, तो उस वक्त आपकी कोई परछाई आपकी नहीं बनती है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समय है कि जब आपकी कोई भी परछाई आपकी नहीं बनती है। तो बात पहले क्या होगा, जो पाया है वो हमारा क्या है, सनराइज का। सनराइज मतलब यहां पर क्या होगा, जब सूर्य का उदय होता है। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन कहां से होता है, ईस्ट से होता है, ठीक। तो हम यहां पर मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ये ए है और ये बी है, ठीक। यहां से आपका चंद्रमामा उगेंगे, यहां से उगेंगे, तो ये जो हुआ, ये हुआ, ये हुआ ए का परछाई, और ये क्या हुआ, बी का परछाई। बात समझ रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय कहां से होगा अपने को, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य से उगेगा, ईस्ट से उगेगा, पूर्व से उगेगा, तो परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में बनेगी, ठीक है ना, ये इसकी परछाई है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये बी का परछाई है और ये ए का परछाई ना, तो ये जो ए का परछाई है, ये बी ऐसा देख रहा है, बी ऐसा देख रहा है ना, बी के लेफ्ट में कि राइट में, बी के लेफ्ट में है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इस कंडीशन में कि ए की जो परछाई है, ए की जो परछाई है बी के कहां पर है, लेफ्ट मतलब बाएं में, ठीक है ना। अब बात क्या, बी की परछाई, ये बी की परछाई है, तो ए ऐसा खड़ा है, देखिए ए ऐसा खड़ा है, तो ये इसका दायां ओर हुआ, ये इसका दायां ओर हुआ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बी की परछाई ए के कहां पर है, ए के राइट में। कंडीशन क्लियर हुआ। अब जो दूसरा कंडीशन बनेगा, ये हमारा पहला कंडीशन यहां पर क्या हुआ, सनराइज का हुआ। जो दूसरा कंडीशन हमारे पास सनसेट का होगा, सनसेट का होगा मतलब यहां पर क्या हो गया, सूर्य कहां से, सूर्य उगता तो पूरब से है और डूबता कहां पर है, पश्चिम में, सनसेट। तो मतलब अब ए इधर पर है, बी इधर पर है, अब चंद्रमामा इधर आ गए हैं, तो यहां से सूर्य आ रहा है ना, यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये होगा ए का परछाई और ये होगा बी का परछाई। Now in this scenario, ये कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, ये ए का परछाई है, बी यहां पर है, ये बी यहां पर है, तो बी के राइट में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की परछाई बी के कहां पर है, राइट में मतलब दाईं ओर है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी की परछाई जस्ट ऑपोजिट होता है, अगर मैं आपके राइट में हूं तो आप मेरे लेफ्ट में होंगे, अगर मैं आपके राइट में हूं तो आप मेरे कहां पर होंगे, लेफ्ट में होंगे, और अगर मैं आपके लेफ्ट में होंगे तो मैं आपके राइट में हुआ तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट में, ठीक है, और अगर सपोज मैं आपके राइट में हूं तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट में हो जाएंगे, अगर आप मेरे आगे हैं तो मैं आपके पीछे हूं, जस्ट ऑपोजिट वाइस वर्सा होता है। तो अगर ए की परछाई बी के राइट में होगा तो बी की परछाई कहां पर होगा, ए के लेफ्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, ए बी की परछाई बोला है, तो ये बी की परछाई है और ए ऐसा देख रहा है, ए ऐसा देख रहा है, जब ए ऐसा देखेगा तो ये यहां पर इस तरीके से होगा। एक बार ध्यान देख लो इसको, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
अब ये वाला कंडीशन अपन देखते हैं, अब आते हैं यहां पर। तो यही क्या होगा, कभी भी सनराइज और सनसेट के बारे में बोलेगा तो कभी कभी याद रखना आपको दो व्यक्ति ऐसे नहीं खड़े रहेंगे। क्यों? अगर मान लो यहां से आता है तो यहां पे अगर आएगा तो इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ जाएगी, और अगर यहां से होगा तो इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ जाएगी, और जब एक व्यक्ति की परछाई दूसरे की ओर पड़ेगी तो क्या होगा, परछाई दिखेगी क्या? परछाई आपको दिखेगी नहीं। सिर्फ दो ही कंडीशन पे होगा, जब दोनों इस तरीके से खड़े होंगे, बस दोनों का अपने को मुख होगा। और यहां पर पूछे गए प्रश्न में आपको यही पूछेगा कि किसका मुख किस ओर है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बस ये दो कॉन्सेप्ट होगा, इनको छोड़ के कोई तीसरा आपका बनता ही नहीं है आपका सनराइज और सनसेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम समझ गए वहां पर क्या हो रहा है। अब यहां ध्यान देना, उदय और विशाल है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा होगा। ठीक है ना, बस आपको ये देखना है कि उदय का मुंह किस ओर है और विशाल का मुंह किस ओर है। इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देखना यहां पर विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर है, समझना, विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर है। ठीक, विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर है, विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर है, विशाल की परछाई, विशाल विशाल की परछाई, विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर है। तो मतलब ए वी को कर रहा है और बी यू को कर रहा है, तो ए किस ओर देख रहा है, मतलब विशाल किस ओर देख रहा है, नीचे दक्षिण की ओर देख रहा है, और ये यू बी का रोल प्ले कर रहा है। तो उदय कहां पर देख रहा है, उदय देख रहा है उत्तर की ओर। ठीक, तो उदय उत्तर हुआ और विशाल कहां पर हुआ, दक्षिण हुआ। और प्रश्न में क्या बोला है कि उदय किस ओर देख रहा है, तो उदय उत्तर की ओर देख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ पहला वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसको छोड़ के नया कोई सब याद नहीं रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा याद रखिएगा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अगर आपको कोई भी चीज का आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि वह उत्तर की ओर है। ठीक, और दूसरा जब एक से दूसरे के मध्य आपको यहां पर क्या होगा, दूरी निश्चित नहीं दिया होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि एक के मध्य और दूसरे के मध्य में सभी में दूरी यहां पर क्या है, समान। ठीक, यहां दिया है एक्स वाई के पूरब में है, सॉरी वाई एक्स के, वाई वाई एक्स का पूरब, वाई एक्स के पूरब में, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। ठीक है, वाई कहां पर है, जेड के नॉर्थ में है, वाई जो है जेड के नॉर्थ में है। ठीक, वाई जो है, वाई जो है जेड के नॉर्थ में है, उत्तर में। ठीक, यदि P Z के दक्षिण दिशा में है, यदि P Z के, Z का दक्षिण दिशा मतलब यहां पर कौन अपने पास, P, तो Y P की किस दिशा में, तो जो Y है Y P की किस, Y P की किस दिशा में है, तो ऊपर की ओर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ मतलब उत्तर की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोटेशन बेस वाला है ये। ठीक है, ये हमारा रोटेशन बेस वाला है, ये हम जानते हैं ये हम जानते हैं ठीक, ये हमारे पास क्या होते हैं, चार मेजर डायरेक्शन होते हैं और उसके बीच के चार यहां पर क्या होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जा रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जा रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ मतलब बैकवर्ड में 45 45 45 मतलब 135, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मतलब 45 45 45 135 डिग्री बैकवर्ड जा रहा, मतलब
ये घुमा तो क्लॉकवाइज हुआ और ये घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। इसी तरीके से अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जा रहे हैं तो 45 45 45 यहां पर हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, चलिए मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक ऐसा मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ जाता है। अब ऐसा है ना, तो दाएं क्या होगा, अब ऐसा आया है तो इधर देख रहा है, दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाई ओर मुड़ जाता है, फिर यहां से बाई ओर मुड़ जाता है और कितना जा रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर मतलब अब यहां पर आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट। तो अब ये बोला है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, मतलब ये वाला डायरेक्शन निकालना है, ये वाला, तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये हमारा आंसर याद रखना। ठीक, अब अगर सपोज बोलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट से कौन सा, तो अपन लोग ये डायरेक्शन लेंगे तो ये वाला यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला राहुल पुट्स हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर दी। याद रखना, घड़ी में आपके पास ऐसा ही 12 बजता है। अब कंडीशन बोल रहा है कि शाम को 6 बजे उत्तर की ओर, घंटे की सुई 6 बजे उत्तर की ओर है, मतलब 6 यहां पर बज रहा है, तो 6 यहां पर बजेगा, ठीक है ना, यहां पर 6 बजेगा तो यहां पर क्या बजेगा, 12, ऑपोजिट में यहां पर 1 2 3 4 5, घड़ी ऐसे घूमता है ना भाई, ऐसे घूमने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो रात 9:15 पर, 9:15 मतलब यहां पर होगा मेरे पास घंटे वाला सुई और एग्जैक्ट यहां पर होगा 9 में मिनट वाला सुई, 9 बजे की सुई, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये वाला दिशा हुआ, तो ये जो दिशा हुआ मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास साउथ हुआ और क्या हुआ, ईस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हमारे पास ये वाला, क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये हमको डायरेक्शन दिया। ठीक, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आपको, ठीक, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा चलाते चलना। ठीक है, रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अब फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक, अच्छा ये देखिए, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, आरंभिक बिंदु, और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये अगर ये जो है 15 है तो ये जो होगा, ये भी तो भाई टोटल मिला के 20 है, ये 20 है, ये 20 है, टोटल 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये 15 ये भी कितना हो जाएगा 15। ठीक,
ये हमारे पास हुआ, ये स्टार्टिंग और ये फाइनल हुआ। हमको बोला है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। स्टार्टिंग पोजिशन से किस दिशा में, इस दिशा में, यहां पर है 30 और 15 कितना हुआ 45, 45 यहां पर क्या हुआ पूर्व, ये हमारा आंसर हो गया 45 पूर्व हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो कार है आपके पास, पहला कार ए है, दूसरा कार बी, ये दोनों के मध्य 150 किलोमीटर की दूरी। पहला कार 25 किलोमीटर आया, चलो 25 आया, राइट टर्न लिया इधर, ठीक, और 15 गया, फिर यहां से लेफ्ट गया 25, और फिर डायरेक्शन करके कहां पे मेन रोड में आ गया, फिर अंततः यहां पर इधर आया, मतलब 15 और चला, ठीक है। इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन अदर कार हैज ओनली रन 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। जो अगला है ना वो यहां से कितना चला है, सिर्फ और सिर्फ 35 चला है, ठीक। तो आपको ये निकालना है कि दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। अच्छा, बेसिकली ये यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, चला बहुत दूर है, ये चला बहुत दूर है, लेकिन यहां 50 वापस इसी रोड में आया ना भाई, तो यहां पर कितना चला है, और वो चला कितना अपने पास वहां पर, वो एक्चुअली मगर देखूंगा तो यहां से लेकर यहां तक 25 चला है, तो यहां तक वो 50 चल चुका है, 50 और 35 कितना हो गया, 50 और 35 कितना हो गया, 85 चल चुका है, तो टोटल यहां पर है 150, उसे 85 वहां पर क्या हो चुका है, कर चुका है, तो ये जो बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 65 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कहना चाह रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्स, यहां पर एक पॉइंट है एक्स, जेंट वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, He turned left and walked 20, मतलब दाएं मुड़ा, सॉरी बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। ओके भाई, और फिर बाएं मुड़ा और 15 चला, और उसके बाद राइट मुड़ के 12, और वो फिर यहां से 12 चला। हाउ फार, ठीक, और वो किस दिशा में, देखिए अगर ये 20 है ना तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये 15 और ये 15 चल के वापस इसी लाइन के स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो ये 20 हो चुका और ये 12 हो चुका है, तो कितना हो गया 20 और 12 कितना हो गया 32, ये तो हम समझ गए। और किस दिशा में, यहां से इधर आया तो क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ साउथ, मतलब दक्षिण, तो 32 मीटर साउथ। याद आया होगा सनराइज सनसेट वाला, ठीक है ना। हेमा शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, बात क्या कर रहा है सनसेट का, सनसेट, सॉरी सॉरी सनसेट है ना, पश्चिम से होगा ये परछाई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हेमा की परछाई रेखा के राइट में है,
हेमा की परछाई रेखा के राइट में, ऐसी बोला ना, हेमा की परछाई रेखा के राइट में है। तो यहां पर तो हेमा देख रही होगी कहां पर, हेमा देख रही होगी दक्षिण की ओर और रेखा देख रही होगी उत्तर की ओर। तो रेखा का मुख किस दिशा में था, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पूर्व उत्तर, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, उत्तर। दो ही तरीके से होगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो सबसे शुरू में बताया था ना, कौन सा आपको सनराइज और सनसेट वाला, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला, अ बॉय रोड इज बाय साइकिल नॉट, एक लड़का अपनी साइकिल उत्तर की ओर चलाता है, चलाता है फिर, है ना, और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर गया, फिर से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चला। तो जब ये यहां पर आया ना, तो ये देखा है कि वहां इधर से स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पर कहां पर है, वो 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, 1 किलोमीटर पश्चिम पाया। तो अब अगर सपोज ये एक है, ये भी एक है, ये दो है, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। तो शुरू में उसने उत्तर की ओर कितना दूरी तय किया था, उत्तर की तरफ तय किया था अपने पास 2, तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आजकल क्या हो रहा है, लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया अपने पास, है ना, लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी क्या करता है कि तीन एक साथ क्वेश्चन देगा आपको डाटा के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, ताकि उसको आप डिराइव करें और एक दो आंसर निकाल सके। देखिए, देव कुमार, नीलेश, अंकुर और पिंटू सभी के सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, मतलब 5 लोग है, सभी के सभी नॉर्थ की देख रहे हैं। कुमार अंकुर के दाएं 40 मीटर पर है, कुमार क्योंकि सबके सब ऐसा देख रहे हैं ना, सबके सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उधर देखेंगे तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। कुमार अंकित के दाएं 40 मीटर पर है, ठीक। देव कुमार के दक्षिण में 60 मीटर पर है, देव कुमार के दक्षिण में 60 मीटर है, 60 मीटर, ठीक, ओके। नीलेश अंकुर के पश्चिम में 25 मीटर है, नीलेश अंकुर के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। देव के उत्तर में पिंटू 90 है, देव के उत्तर में पिंटू 90, मतलब यहां से यहां तक जो है पिंटू 90 है। तो अगर मैं देखा तो ये तो 60 हो चुका है ना, तो कुमार से कितना दूरी होगा, कुमार से 30 का दूरी होगा, ठीक, ये हमको दिया। अब क्वेश्चन क्या निकालना है, क्वेश्चन ये बोला है कि कुमार के बाईं ओर बैठे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन सा है। कुमार के बाईं ओर जो बैठे हैं, मैं अंकुर ले लूं या नीलेश ले लूं, दो व्यक्ति बैठे हैं कुमार के बाईं ओर, कौन बैठा, दो लोग बैठे हैं, चाहे मैं अंकुर ले लूं या मैं किसको ले लूं, नीलेश को ले लूं, दोनों कंडीशन पे इसके उत्तर पूर्व में कौन बैठा है, इसके उत्तर पूर्व में एक ही आदमी बैठा है, कौन, पिंटू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पिंटू, ठीक, ये हमारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक लड़का नीलेश से शुरू होकर अंकुर और कुमार से मिला और इसके बाद वह देव और फिर पिंटू से मिला, अच्छा नीलेश से चालू कर रहे ना भाई, अच्छा ठीक, नीलेश से चालू कर रहा है, तो पहले 25 गया, ठीक, 25 के बाद 40, 25 और 40 कितना हुआ, 65 गया, फिर 60 गया, 65 प्लस 60 कितना हुआ, 125, और इसके बाद पिंटू से मिलने के गया, मतलब फिर 90 चला, तो टोटल कितना चला, 205 चला, तो 205 यही ना, अंकुर फिर कुमार से मिलता है,
ठीक 65, हाँ बिल्कुल सही है, 65 से यहाँ पे कितना गया, 65 गया, फिर 60 गया, 125 हुआ, ठीक 125, फिर देव गया, और फिर क्या बोल रहा है, देव के बाद फिर किससे मिल रहा है, पिंटू से मिल रहा है, देव के बाद पिंटू से मिल रहा है, सही है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये जो है ना ये 215 होगा, 215 होगा, ठीक 215 में कौन सा ऑप्शन है दिया है, 215, हाँ ये दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक अगला, ये और खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक ये आपका क्या होगा, आपके पास ये आजकल ब्लड रिलेशन वाला हुआ और ये वाला पैटर्न आजकल आपको ज्यादा पूछता है, ठीक ये दिया वो अपने पास, सब में एक एक मीटर का दूरी पर दिया हमको, निकालना क्या है, एक्स एट द रेट बी स्टार पी, एट द रेट बी मतलब, एट द रेट बी मतलब क्या दिया है, बी इज वन मीटर, सॉरी एट द रेट मतलब यहां पर क्या दिया है, बी ए के दक्षिण में है, बी ए के एक मीटर, बी ए के दक्षिण में, ऐसी थी ना अपने पास बी ए के, तो मतलब बी एक्स के दक्षिण में है एक मीटर, क्योंकि सभी का डिस्टेंस कॉमन अपने को उससे मतलब। फिर क्या दिया है, स्टार, स्टार मतलब क्या दिया है, बी ए के लेफ्ट में है, मतलब ए स्टार भी मतलब सेकंड वाला ना, सेकंड वाला पहले के लेफ्ट में है, मतलब पी जो है बी के लेफ्ट में, पी जो है बी के लेफ्ट में, ये पी हो गया, ठीक तो आपको क्या निकालना है, पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो पी है एक्स से कौन सा डायरेक्शन, ये वाला, ये डायरेक्शन अपन देखते हैं ऐसा वाला, ये डायरेक्शन यहां पर क्या हो गया, साउथ हो गया, और यहां पर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक ये चीज को याद रखना है ना। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन अच्छा नॉर्थ में फर्स्ट पर तो बन ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, फेसिंग नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ के यहां पर क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, निकालना अपने क्या है, पी हैश, पी हैश आर डॉलर ए स्टार यू, ये हमको दिया, हैश मतलब क्या दिया, बी ए के राइट में है, बी ए के राइट में मतलब सेकेंड राइट, मतलब आर पी के राइट में है, आर जो आर है, आर जो है पी के राइट में है, ये पहला कंडीशन हुआ। फिर डॉलर दिया है, ए इंटू बी मींस बी नॉर्थ में है ए के, मतलब सेकेंड वाला पहले के नॉर्थ में है, मतलब ए जो है ना आर के नॉर्थ में है, ए जो है आर के नॉर्थ में है, यही बोला अपने पास सेकंड वाला उसके है ना, ठीक। फिर क्या दिया, स्टार, स्टार मतलब क्या दिया है, बी सेकंड वाला पहले वाले के लेफ्ट में है, ठीक सेकंड वाला पहले वाले के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब जो यू है, यू ए के लेफ्ट में है, यू जो है ए के लेफ्ट में मतलब यहां पर है, ठीक। तो आपको ये बोला है यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, ये हमको बताया था अपने पास कि जब भी आपको ऐसा देगा तो यहां पर क्या होगा, जो सबका जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस सब बराबर होंगे तो यू जो होगा पी से किस डायरेक्शन पे होगा, उत्तर की ओर होगा, नॉर्थ दिया है, ये अपने को नॉर्थ दिया है, ठीक। तो बेसिकली डायरेक्शन में आपको इतना ही क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका, एक ये वाला पैटर्न हुआ, उसके बाद आपके पास एक ये वाला पैटर्न हुआ, ठीक। सीधी रेखा अपने यहाँ पे स्टेटमेंट देगा ये वाला, और उसके बाद फिर क्या करेगा, अपन लोग क्या करते हैं जब मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट और राइट मूवमेंट करते हैं, सनराइज और सनसेट वाला, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए